नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में बरसात का कहर जारी, लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत, कोटद्वार में बह गई कार। वहीं हिमाचल में अगले 4 दिन तक भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रदेश में अब तक 8,000 करोड़ का हो चुका बरसात से नुकसान। 2 अक्टूबर से शुरू होगी राहुल गांधी की दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा। पोरबंदर से अरुणाचल तक जाएगी यात्रा। यात्रा के दौरान यूपी पर रहेगा फोकस। वहीं 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 5 से 10 दिन तक यात्रा निकालने की है प्लानिंग। मुआवजे की मांग को लेकर एकजुट हुए पंजाब हरियाणा समेत उत्तर भारत के 16 किसान संगठन। चंडीगढ़ कूद से पहले भारी पुलिस बल रहा तैनात। पंजाब के मोहाली से सटे चंडीगढ़ बॉर्डर को किया गया सील। स्थायी रास्तों पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। पंजाब के कई जगह पर हुई पुलिस और किसानों में झड़प। भटिंडा चंडीगढ़ सड़क पर लोंगवाला में किसान पुलिस के बीच टकराव के बाद बिगड़े हालात। पुलिसकर्मी पर चढ़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। पुलिस ने 18 किसान और 35 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया मामला। एसएचओ गगनदीप सिद्धू बोले आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब के अबोहर में बच्चे का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। डंपिंग ग्राउंड में कर्मचारी ने देखा भ्रूण तो पुलिस को दी सूचना। जांच के लिए मौके पर पहुंचे एएसआई सुखविंदर सिंह। पोस्टमार्टम के लिए भेजा भ्रूण। आसपास खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज। हरियाणा के सोनीपत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से लाखों का हुआ नुकसान। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका अभी तक कोई खुलासा। हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का निधन। मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रावतसर के रहने वाले थे राजू पंजाबी। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। हिसार में चल रहा था इलाज। लीवर और फेफड़ों में फैल चुका था संक्रमण। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग। 5 युवकों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर बुझाई आग। बाइक सवार युवकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं आग के बाद फ्लाईओवर पर लगा लंबा जाम। हरियाणा के बच्चे भी देखेंगे चंद्रयान की लैंडिंग। स्कूलों में लाइव कवरेज की तैयारी। मोदी सरकार के आदेश जारी। प्रधानमंत्री का भी होगा संबोधन। आदेशों के तहत 23 अगस्त को शाम 5:15 से लेकर 6:15 सरकारी स्कूलों में होगा लाइव कार्यक्रम। सवारियों से भरी जीप में घुसा ट्रक। जीप के उड़े परखच्चे। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने जयपुर किया रेफर। पुलिस के मुताबिक महबा अलवर स्टेट हाईवे पर हुआ यह हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की शिनाख्त। सच कहूं न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।